ओए रुक, ये ताले फेंको। तो फिर आए घूमने के लिए आए तो बड़े भी ये इतनी पुरानी है। तो गाइस तो फिर रोड बना चलो, पापा की तरीका कोई भरोसा नहीं होता, बुढ़ा दिया मैं। तो फ्रंट कैमरा के सर्विस में। तो गाइस ये है FRI बिल्डिंग। FRI बिल्डिंग जो 1904 में बन के तैयार हो चुकी थी, 1904 में लगभग या 1905 में यही थी, इसमें तैयार हो गई थी बनके। और अभी चल रहा 2023, तो 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है इस इमारत को, और एकदम तन के खड़ी है। और आजकल के इंजीनियरों का तो 10 साल भी नहीं चलता है, पुलर गिर जाता है। मंजीत बिहार के मुआयना करने का दीपक भाई इधर पूरा बिल्डिंग कि कितना अच्छा बिल्डिंग है, और इसमें बहुत ही पुराने म्यूजियम से में सामान रखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्डिंग कितना अच्छा लग रहा है, और आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए पंकज जी, अच्छा जी, इसमें जो बिल्डिंग में सबसे खास बात यह है कि आपको एक जैसा सारा चीज दिखेगा। क्या म्यूजियम? हम इसमें जा नहीं सकते भी, और टिकट लेना पड़ता है, बिना टिकट के हम जा नहीं सकते। देखिए इसमें सबसे खास बात ये लगेगी, आपको एक जैसा दिखेगा सारा चीज। बिल्डिंग का बनावट बहुत ही अच्छा है, और ये दूसरा है वो। ऐसे ही एक जैसे सौर बिल्डिंग चारों तरफ एक जैसे दिख रहा है। अच्छे मूवी भी शूट करते हैं। दिखा दे स्टैंड मुझे। अरे वो सब गोली वाले, आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग। देखिए आप लोगों का मन करे घूमने के लिए, बिल्डिंग में घूमने के लिए, और देख सकते हैं भूत महल भी मिलेगा। भूत महल भी है इसमें, बढ़िया है, हमें बहुत अच्छा लगा हमें इसमें आने का, देखने का। ये है वन संवर्धन संग्रहालय, और हम टिकट लेके जाएंगे और उसमें हम हॉल में घूमेंगे म्यूजियम में। यहाँ पे सभी बिल्डिंग एक जैसे दिखने
होता है हमारे हमें ये बिल्डिंग घूमने के लिए बहुत दूर से कहाँ से आए डोईवाला से और यहाँ से काफी दूर है डोईवाला हमारा अच्छा घास है यही है वो लोग हम यही देखने के लिए बहुत बेचैन थे और आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं दिखाने के लिए वीडियो। हाँ तो यहाँ पे हमें खाने की बहुत चीज़ मन कर रहा लेकिन क्या कर सकते हैं ये भी बैठ गए ए यार नीचे घूमेंगे नहीं क्या वहाँ चलो दिल खुश हो गया है हमें आगे और ये देख सकते हैं ये भी ब्लॉग बना रहा है और मैं भी बना रहा हूँ ज्यादा जूम मत करिए मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख सकते हो ये बहुत पुराना बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग देखने के लिए हम बहुत दूर से आए और हम डोईवाला केशपुरी से आए और देख सकते हैं और ये हमें बहुत ही अच्छा लगा देखने के लिए। जब मैं छोटे बच्चे था जिसमें मैं छोटी क्लास में पढ़ रहा था उस टाइम आया था अपने स्कूल के टीचर के साथ और अब मैं बड़ा हो गया और मैं अकेला हूँ शादीशुदा हो गया तो मैं अपने फैमिली के साथ नहीं आए लेकिन अपने भाई लोगों के साथ आए अब मैं किसी टाइम नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो हम अपने फैमिली के साथ आए घूमने के लिए यहाँ पर। अभी हम आपको अंदर का व्यू भी दिखाएंगे फिलहाल तो अभी बाहर में हम घूम रहे हैं इसके
आलू कुछ नहीं मिलेगा, नहीं कैमरा खराब हो जाएगा, तब तो बड़ा खराब हो जाएगा। ऐसे देख खम्बा को देखा, समझा नहीं। आगे चलो आगे दीपक जी। है तो यही थी चलोगे। हाँ पूरा फैमिली ले गए हैं, बस साथ खत्म होने दो। बैरिड नंबर वन पंकज, लेकिन अपनी कैटेगरी पहचान जाता है कौन सा। हम फिर रिटर्न वही आ गए क्या? अरे यार हमें बिल्डिंग में घूमने दो, उधर अंदर चलो, अंदर अंदर ही जाओ। अरे बोल रहा नहीं तो अभी चलो कॉन्ट्रे तगड़ा वाला। क्या मीठा है क्या फल? ले चले एक। ये हमें FRI में मिला है, तो देखिए ये क्या चीज़ है और क्या चीज़ का फल है, हमें तो कभी नहीं पता।